डर लगता है okay. कि आप ना बोल रहे हो और पता चला वो अच्छा हो गया या कुछ और और कि वो वो अच्छा hmm. ही चले और जो भी करे उसका हो बस वही आई थिंक अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा भटक जाता हूँ और मैं वो अपने लगा के ना दिमाग एक ही जगह पे फोकस करना चाहता हूं अभी एंड दैट्स अबाउट इट फर्स्ट विजिट टू गोवा वाज इन स्कूल हमारे दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स ना अपने uh, ट्रिप्स uh, बेस्ड हां 12th ग्रेड के बाद सब बोर्ड्स के <coughs> बाद गोवा ट्रिप पे जाता है तो आई थिंक यू आर सो यंग एंड यू गो टू गोवा इट्स आई डोंट नो इफ आई वुड दिस थिंग इट वाज जस्ट इट आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज इन गोवा आई जस्ट फील लाइक वो

अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त ना हो सके तो वो मेरी प्यार नहीं बन सकती तो सेम सवाल मैं आज आप चारों से पूछना चाहूंगा कि प्यार क्या है क्योंकि मैंने पूरे ट्रेलर में देखा प्यार दोस्ती है दोस्ती प्यार है आपसे पूछना चाहूंगा स्टार्टिंग विद फ्रॉम यू प्यार क्या है आपके लिए प्यार क्या है प्यार आ, एक दूसरे की मदद करना है ओके आई थिंक दैट्स प्रतीक मुझे लगता है कि प्यार जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप वाला प्यार ही हो प्यार वो है जिसमें जैसे मैंने पहले भी कहीं पे बोला था कि अगर आपको किसी के दर्द में अगर दर्द हो रहा है वो प्यार है किसी के दर्द में अगर आपको दुख हो रहा है या दर्द हो रहा है उसी लेवल का या किसी भी लेवल का तो आई थिंक दैट इज लव आई थिंक रहो आप आप उसके दर्द में दर्द महसूस करो उसकी खुशी में खुशी महसूस करो विदाउट एनी बॉन्डेज तो आई थिंक दैट अगला सवाल ऑल ऑफ यू गाइस ऑल ऑफ अगला सवाल आपसे ही होगा मोहसिन मैंने देखा कई बार uh, कई सवाल आपको पूछे गए इतने टाइम के बाद यू आर कमिंग बैक बीच में गाने भी नहीं किए थे बट एट दैट मोमेंट मैंने एक चीज नोटिस की आपके फैंस वे ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू

आ, तो वो ना बोलना भी ना डर लगता है okay. कि आप ना बोल रहे हो और पता चला वो अच्छा हो गया या कुछ और बेस्ट ओनली कि वो अच्छा हुँ. ही चले और जो भी उसे करे वो उसका भला ही हो एंड गुड बट ऑब्वियसली इट्स कैरी एट दैट पॉइंट तो अपने आप को बस यही समझाता रहा मेरी अम्मी बोलती है कि ऑल ऑन अल्लाह तो ऊपर वाले पे ना हम छोड़ मैं, मैं जब बहुत सोचता था ना ओवर थिंक का लॉट तो बोलते थे सोच सोच right. तो ना ना जो है वो जैसा है ठीक है और बस इनशाला बोला जो अम्मी ने बोला बट ये प्रोजेक्ट में सबसे खास बात लगी? क्यों लगी क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया ये प्रोजेक्ट yes. काफी टाइम के yes. बाद कोई ऐसी चीज जो आपको लगी हुई यारिकॉज जब yeah, ये आया ना

तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा सुनकर बहुत अच्छा लगा कि ये है ऑब्वियसली इट्स एवरी टाइम इट इज़ अ रिस्क वट एवर यू डू इन लाइफ एंड इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग इन लाइफ इट्स स्टिल अ रिस्क सो आई न्यू के हर ये फिर भी एक रिस्क है जो मैं लेना चाहूँगा yes. ये एक अच्छा किरदार है एक अच्छी स्टोरी है uh, और लेयरिंग है हर एक कैरेक्टर की अपनी एक लेयरिंग है

तो तो आई थिंक ऑल के ये जब मिला तू, uh, to... Isha, you, uh, पहले हुई, फिर एक, एक चीज कॉमन थी जो है प्यार, hmm. जो, जो मैंने किया पहले पहले कॉलेज वाला प्यार फिर एक अलग सा प्यार एंड जब मिला तू भी एक अलग सा प्यार टेल्स समथिंग आई थिंक यू आर मोर इनटू एक्सप्लोरिंग थिंग्स राइट नाउ मूवी टेलीविजन हाउ डू यू सी योरसेल्फ एक्सप्लोरिंग थिंग्स हर इंसान को एक्सप्लोर तो करते ही रहना चाहिए आ, मुझे लगता है प्यार मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि हर शो में हर मूवी में एक प्यार एक कॉमन फैक्टर रहा है एक्सप्लोर uh, करने की बात रही तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सारा काम करूं मैंने कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि नो आई ओनली वांट टू डू टेलीविजन और आई ओनली व्हेन आई स्विच टू मूवीज़ आई नेवर सेड कि मुझे सिर्फ मूवी uh, करनी है दो देर वाज अ नोशन इन द इंडस्ट्री कि शी इट डज नॉट वॉन्ट टू डू टेलीविजन एनी मोर बट देन मैंने उसको भी तोड़ा बिकॉज आई डिट बेकाबू अगेन आई एम डूइंग दिस अगेन आई डोंट नो वॉट आई आई डू नेक्स्ट आई माइट डू समथिंग एल्स ओनली बट देखते हैं आई uh, आई एम a sucker for good गुड वर्क मुझे जहाँ भी लगता है कि यार ये ना दिल को खुशी दे रहा है ये काम कर रहा है ये, ये अच्छा लग रहा है यार ईशा जैसे वैन आई अभी किसी को बता रही थी कि जब मैंने ये जब मुझे ये ऑफर हुआ तो मेरे पास दो चीज़ें ऑलरेडी थी एंड इट वॉज अ वेरी कट टू कट डिसीजन कि अगर मैं ये नहीं करती तो मैं वो शायद कर रही होती अभी बट मैं हार्ट सेट की नो ईशा यू वॉन्ट टू डू दिस एंड आई एम अ लिसनर आई लिसन टू माई हार्ट ब्लाइंडली बिकॉज मुझे लगता है कि आई डोंट वॉन्ट टू बी एटी

कई uh, कई तो नहीं मतलब लिमिटेड रिलेशनशिप्स में भी रहा हूँ बट मेरा ऐसा है कि यार या तो ऑल आउट या तो नथिंग तो ऐसा रहा है बट अब वो जो प्यार है ना सिर्फ मेरा दो जगहों पे ही रह गया सिर्फ एक तो मेरी फैमिली लाइक माय मॉडल एंड माई सिस्टर एंड माई फैमिली दैट्स एंड देन वर्क आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक व्हिच वेर आई शुड पुट माय अटेंशन एंड बस वही आई थिंक अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा भटक जाता हूँ और मैं वो अपने लगा के ना दिमाग

very work-oriented she is someone who is very um, work and passion driven so whatever decisions she does make in the uh, series is also for her work is for and that is actually very similar to how i am also in my real life is something that all the decisions that will make i are for her career or are for uh, maddie's career you right. know it's uh, she even if she feels emotions they, they're not on her face शी ओनली फील इट अंदर वो दबाती जाएगी दबाती जाएगी और आप देखोगे भी इन द यू नो इन द ग्राफ ऑफ अ कैरेक्टर बट अदरवाइज शी इज़ वेरी वर्क ओरिएंटेड वेरी पॉइज नोज हाउ टू गेट अ वे आउट मैन्युपुलेटिव डिप्लोमैटिक इन द राइट सेंस एवरीथिंग इन द राइट सेंस एंड या एंड फॉर मी लव और प्यार इज या एनी थिंग दैट यू डू एनी थिंग दैट यू इन इन लाइफ यू एग्जिस्ट एग्जिस्ट विद लव गोवा की अगर हम बात करें गोवा इज ऑल अबाउट लव सो स्टोरीज़ अबाउट गोवा आप लोगों की कुछ अगर स्टोरीज अगर वुड लाइक टू शेयर अबाउट योर स्टोरीज़ गोवा की कोई ऐसी मैं तो बहुत, में, मैंने बहुत शूट किया एक्चुअली फॉर वुड फॉर सीजन फोर मैं वहीं पे था तीस hmm. तीस दिन के लिए अभी इस शो के लिए, लिए वहीं पे था गोवा में सो okay. so, मैं तो साउथ गोवा में था वो भी hmm. तीनों बारी मैं साउथ गोवा वो कैबल बीच में इतना पला बढ़ाऊना मुझे लगता है कि मेरी आधी जिंदगी तो मुझे लगता है वहीं बीत रही है सो या इट्स फन ऑलवेज फन टू बी इन गोवा बहुत अच्छा लगता है बट बॉम्बे बॉम्बे है बॉम्बे की वाइब मस्त है मतलब ऐसा है, like that. आप लोगों की कोई

हम लोग एक बार साथ में जिम में थे मैं मोहसिन ललित सर एंड आई वाज हम तो फिर भी जैसे होता है ना कि सेट मार के रेस्ट ले लिया पाँच मिनट दो एक मिनट बैठ गए ही वाज कांस्टेंटली ब्रिस्क वॉकिंग सेट्स के बीच में भी वो रुकी नहीं रहे तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो सांस लेने के लिए आई हैव टू सिट डाउन फॉर लाइक 60 सेकंड्स मिनिमम एंड ही ही इज सो फिट इवन द प्रोड्यूसर निशित सर को भी आप हमेशा जिम में ही मिलोगे मतलब ऐसा है सो देज लाइक सोट्सने का माहौल अच्छा था तो yeah. वहाँ पे अलीशा भी हमेशा जिम में होती थी ईशा भी आती थी जिम आ, सोने के लिए बैठने के, के, के लिए कोई दर्सन योगा जिम विम

yes. तो उनके सामने किसी भी तरह से किसी भी मीडियम से आप जाओ तो वो दैट नन ऑफ दोस थिंग मैटर यार इट इज जस्ट के दे सी मी डूइंग समथिंग न्यू एवरी टाइम दे सी मी डूइंग के यार ये ये नहीं देखा ऐसे करते हुए तो शायद तो कोशिश वही है अपनी तरफ से एज एन एक्टर के यार कुछ कुछ सरप्राइज <coughs> कर सकूं एट द सेम टाइम अगर वैसे कोई किरदार में वापस जाना तो वो भी इज एब्सोल्यूटली फाइन आई वुड स्टिल लव टू डू दैट लव सेगमेंट विथ यू बट उससे पहले मैं जो डेट है वो एक आइकोनिक डेट होने वाली है पूरी भारत के लिए वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट एंड जो भी है आशीर्वाद है <laughs> उसको आशीर्वाद की समझ लेते हैं कि out of all the dates हमने 22 तारीख चुनी yeah. तो मैं उसको आशीर्वाद मान रही हूँ और अच्छा ही होगा क्योंकि हम इंडिया में दूसरी दिवाली ही बोल रहे हैं उसको। mm -hmm. और हमारा शो भी आ रहा है और हम चारों को आशीर्वाद की बहुत जरूरत थी। yes, है। I, I agree agree

कभी खुशी कभी गम प्रदीप मुझे लगता है नो मूवी टाइटल कौन लव लाइफ ही नहीं है तो फिर क्या मूवी टाइटल होगा कोई भी अभी ये जवानी है दीवानी नहीं नहीं, <laughs> आ, नहीं। आ, 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 क्या, मुझे मुझे? क्या बोलूं मतलब मैं कुछ-कुछ होता है बट कुछ नहीं करना होता बहुत कुछ है बट करना कुछ नहीं है ईशा मेरा कभी खुशी मोस्टली गम ही होती है मौसम यार पता है मैं ब्लैक ब्लैक हां का अंधेरा अंधेरा थैंक यू सो मच गायज ऑल द बेस्ट फॉर ट्वेंटी टूं